जैसे ही न्यूज चैनलों पर अमरमणि त्रिपाठी के रिहा होने की खबर चली तो मानो उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें, अमरमणि त्रिपाठी का आचरण अच्छा होने के कारण उन्हें जल्द रिहा किया जा रहा है। आखिर अमरमणि त्रिपाठी को उम्र कैद की सजा क्यों दी गई थी, हम बात करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2003 में ताबड़तोड़ गोलियां चली, जिसके बाद एक कवित्री की मौत हो गई। मौत के बाद हलचल में अमरमणि त्रिपाठी का नाम आया। एक रसूखदार नेता भी थे, इसलिए इन पर उंगली उठाने में थोड़ा समय लगा। उस वक्त सरकार मायावती की हुआ करती थी, हालांकि मौत मशहूर कवित्री मधुमती शुक्ला की थी, जिसके बाद उनके भी प्रशंसकों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है, मामले में छानबीन की गई, शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कवित्री गर्भवती होने की रिपोर्ट शामिल भी हुई, जिसके बाद हलचल तेज हो गई। मामले में तत्काल जांच शुरू कर दी गई। पता लगा मधुमती शुक्ला के पेट में जो बच्चा था वो अमरमणि त्रिपाठी का था। मामला एक मंत्री से जुड़ा हुआ था, जिसके बाद विपक्षियों ने धरना प्रदर्शन जल्द कार्रवाई को लेकर आंदोलन तेज कर दिए, जिसके बाद मायावती ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। उसके बाद मामले में निष्पक्ष जांच शुरू कर दी गई। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को दोषी पाए जाने के बाद उमर कैद की सजा सुना दी गई। आपको बता दें, रसूखदार नेताओं में शामिल अमरमणि त्रिपाठी के जेल जाने के बाद हालांकि उनकी सियासत में तो कोई कमी नहीं आई और ना ही उनके रिया रसूख में। हालांकि वो नाम के लिए जेल में रहे और लगातार अस्पताल में भर्ती भी रहे। फिलहाल उनका आचरण अच्छा होने के नाम पर अब उन्हें रिहा भी किया जा रहा है। जैसे ही उनके रिहा होने की खबर न्यूज चैनलों पर आई तो हड़कंप मच गया। वहीं कवित्री के परिजनों ने भी रिहाई का विरोध करने को लेकर अब याचिकाएं देना शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। एक बार फिर 2003 की गोलियों की गड़गड़ाहट को याद किया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा, मृतक कवित्री के परिजनों ने भी रिहाई का विरोध शुरू किया है, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है।